बच्चों, मैं एक बार फिर आ गई हूँ आप सब से मिलने। और जानते हैं, आज मैं आप सभी के लिए एक मजेदार सी कविता लेकर आई हूँ। और कविता किसके बारे में भला? वो जो रात में हमारे आसमान में नजर आते हैं, वो जो पूरे आसमान को जगमगाते हैं, अपने गोल से चेहरे से हमें देखकर मुस्कुराते हैं। जी हाँ, हमारे चांद मामा। और आज जो मैं कविता लेकर आई हूँ, उसका नाम है चांद का बच्चा। तो क्या आप तैयार हैं इस मजेदार सी कविता को हमारे दोस्त के साथ सुनने में? तो चलिए सुनते हैं कविता चांद का बच्चा। वह देखो, वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद, इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद? अम्मा उस दिन जो निकला था, वह था गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद, छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? प्यारे बच्चों, इस कविता को सुनकर तो मुझे सच में मजा ही आ गया। और मुझे लगता है आप सभी को भी चांद का बच्चा कविता बहुत पसंद आई होगी। क्यों ना इस कविता को आप और मैं मिलकर एक बार फिर से गाएं? तो चलिए शुरू करते हैं। वह देखो, वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद, इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद? अम्मा उस दिन जो निकला था, वह था गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद, छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? कितने भोले विचार हैं इस प्यारे से बच्चे के इस कविता में, है ना? और इस कविता का विषय तो बेहद मजेदार। आप तो जान गए हैं ना कि इस कविता का विषय क्या है? यदि जान गए हैं तो एक प्रश्न तो ये भी मेरे मन में आ रहा है कि आखिर इस कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? क्या आप इसका कोई कारण सोच पा रहे हैं? और यदि आप इस कविता का कोई नाम रखना चाहें तो क्या रखेंगे और क्यों? कोई तो मजेदार नाम सुझाइए, कोई तो बढ़िया सा नाम बताइए। क्या आपको थोड़ी मदद की जरूरत लग रही है? तो चलिए अपनी माँ से मदद लेते हैं। माँ से मदद क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने हमारे लिए भी इतना प्यारा नाम जो चुना है। आपकी माँ ने आपको एक प्यारा सा नाम दिया है। आखिर क्या कहकर पुकारती है आपकी माँ आपको, है ना? सच में ये बहुत प्यारा नाम, आपके प्यारे से चेहरे को देखते हुए आपके लिए चुना हुआ आपका माँ का मनपसंद नाम। अगर हम चांद मामा के चेहरे की बात करें तो वो तो है गोल गोल, लेकिन क्या चांद मामा रोज इसी गोल चेहरे से के साथ नजर आते हैं?
या कभी कभी अपना रूप भी बदल कर आते हैं। क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया? तो चलिए तैयार हो जाइए, आज से हम रोजाना चांद मामा पर अपनी नजर रखेंगे और फिर खुद ही जान जाएंगे कि वो रोज अपना गोल चेहरा लेकर आते हैं या अपना रूप बदल कर भी चले आते हैं। गोल से मुझे याद आया, हमारे आसपास सब कुछ तो गोल नहीं है, कुछ चीजें चौकोर भी हैं और कुछ तिकोनी भी। तो अब आपके सामने दी गई है कुछ तस्वीरें और इन वस्तुओं के आकार पर देना है आपको ध्यान। इन वस्तुओं को इनके सही आकार से मिलाना है, तो जल्दी से पेंसिल उठाइए और एक रेखा खींचकर इन वस्तुओं को इनके सही आकार से मिला दीजिए। जब तक आप इन वस्तुओं को मिलाते हैं इनके आकार से, मैं आपके सामने एक मजेदार गेम रखती हूँ और इस खेल का नाम है तुक मिलने वाले शब्दों का खेल। हमारे पास दो समूह में शब्द हैं। पहले समूह में है गोल, चांद, छोटा, बड़ा, और दूसरे समूह में शब्द है मांद, खड़ा, बोल और लोटा। अब आप इन शब्दों को दोबारा ध्यान से पढ़िए और इनकी आवाज पर ध्यान लगाइए। ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, जिनकी धुन मिल रही है? चलिए एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पहला शब्द है गोल, और यदि इस शब्द के जैसी आवाज वाला दूसरा शब्द मैं ढूंढूं, तो वो मुझे मिल गया बोल। गोल, बोल। इसी तरीके से आप शब्दों को जब पढ़ेंगे और आवाज को सुनेंगे, तो आप बाकी बचे हुए शब्दों के लिए भी उसका तुक मिलता हुआ साथी ढूंढ पाएंगे। तो चलिए आप ढूंढिए तुक मिलते हुए साथी और मैं आपसे फिर मिलूंगी।